हेलो एवरीवन, वेलकम टू फूड मस्ती मैजिक। आज हम बनाएंगे चना दाल पकोड़ा। बारिश का मौसम आ रहा है और गर्म गर्म चाय के साथ ये क्रिस्पी क्रिस्पी पकोड़े ग्रीन चटनी के साथ एंजॉय करें। तो चलो देखते हैं कैसे बनाते हैं। हम पहले बनाएंगे ग्रीन चटनी। ग्रीन चटनी के लिए हम यह लेंगे धनिया पत्ता, कुछ पुदीने के पत्ते, दो ग्रीन चिलीज हम इसमें तोड़ कर डाल देंगे। हमने यहाँ 5 लहसुन के कलियाँ लिए हैं। 1 टेबलस्पून साबुत जीरा डालेंगे। 1 टेबलस्पून शुगर ले लेंगे। हमने यहाँ पे 1/2 लेमन जूस लिया है और दही लेंगे हम 3-4 टेबलस्पून। और हमने डिटेल में इंग्रेडिएंट्स और मेथड डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। नमक डालेंगे हम टेस्ट के हिसाब से। अब इन सबको अच्छे से ग्राइंड करेंगे। ये देखिए ग्रीन चटनी रेडी है। ये बहुत ही मज़े की लगती है पकोड़े के साथ। इसे कबाब के साथ या कटलेट के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं। हमने यहाँ 250 ग्राम्स चना दाल लिया है जो हमने रात में इसे भिगोने रख दिया था। फिर इसे हमने ग्राइंड कर ले लिया है। हमें ग्राइंड करते वक्त इसमें बिल्कुल भी पानी नहीं ऐड करना है। अगर ज़रूरत लग रही है तो आप इसमें 1-2 टेबलस्पून पानी ऐड कर सकते हैं। हमने यहाँ 2 मीडियम साइज़ की प्याज ली है जिसे हमने चॉप किया है। ये अब इसमें जाएगा। इसमें हम डालेंगे धनिया पत्ता, चॉप ग्रीन चिलीज। अगर आपको स्पाइसी पसंद है तो आप इसमें ग्रीन चिलीज और ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। नमक डालेंगे हम टेस्ट के हिसाब से। इसमें हम डालेंगे 1/4 टेबलस्पून ऑफ बेकिंग सोडा। बस अब इस सब को अच्छी तरह से हमें मिक्स करना है। इसमें बहुत ही कम इंग्रेडिएंट्स लगते हैं लेकिन बहुत ही मज़ेदार बनते हैं ये। ये रेडी है, अभी हम इसे फ्राई करेंगे। मेरा ऑयल गरम हो गया है। अब हम इसके छोटे छोटे ऐसे बॉल्स बना के इसमें डाल देंगे। इसका कोई पर्टिकुलर शेप नहीं है, आपके हाथ में जितना आता है जैसे आता है आप इसमें डालते जाए। हम फ्लेम को मीडियम हाई रखेंगे और इसे चलाते रहेंगे। इसे हमें बार बार चलाना है ताकि हमारे भजिए सब तरफ से इवनली ब्राउन हो जाए। ये देखिए सारे पकौड़े हमारे एक जैसे हैं। ये अब हो गए हैं, इसे हम निकाल देंगे। इसे हम टिश्यू पे निकाल देंगे और इसे गर्मा गर्म सर्व करेंगे। ये बाहर से बहुत ही क्रिस्पी करारे हैं और अंदर से एकदम टेस्टी। तो ज़रूर बनाएं ये पकोड़े और इसे चाय के साथ एंजॉय करें। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। बाय।